सबसे पहले शुरुआत इसकी करते हैं हम एक सवाल से कि अभी जो हमारी बात हुई आपको पता होगा कि बिहार में कितने राज्य हैं। बिहार में राज्य 28 है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरे भारत में कितने राज्य हैं? 28। और उन 28 राज्यों को तुलनात्मक रूप से देखने के लिए भारत सरकार एक सूची जारी करती है, एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि उस राज्य में शिक्षा की प्रणाली की व्यवस्था क्या है, उसका स्तर क्या है, इसको जांचने के लिए। अब एक आपके अनुमान की बात है, अगर इसका आपको जवाब नहीं भी पता हो तो आप अनुमान लगाओ कि इन 28 राज्यों की सूची में, इस पूरे 28 राज्यों की सूची में शिक्षा प्रणाली व्यवस्था के आधार पर बिहार का स्थान क्या है, सबसे नीचे। आप अगर अनुमान भी नहीं लगा पा रहे तो क्या बोला? सबसे नीचे। जोर से बोलो, सबसे नीचे, सबसे नीचे। और ये सच्चाई है, बिहार का राज्य, बिहार राज्य का स्थान 1 से 28 राज्यों की सूची में 28 पे है, यानी कहें नीचे से सबसे शुरू। अब इसकी वजह क्या है, हम पेपर पे तो देख रहे हैं 1 से 28 स्तर पे है, इसका जमीनी हकीकत क्या है, इसका जमीनी स्वरूप क्या है? जो बिहार में स्कूल है वो कई जगह बिल्डिंग नहीं है, कुछ जगह झोपड़ी तक भी नहीं है, कुछ जगह पढ़ाई होती है पेड़ के नीचे होती है। यहाँ पे तो आप बेंच पे बैठे हो, बिहार के स्कूल में कई जगह व्यवस्था इस तरीके की जर्जर है, बच्चे दरी पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, उन्हें बैठने की व्यवस्था नहीं है। और इन्हीं सब दुविधाओं, इन्हीं सब परेशानियों का एक और स्वरूप ये है, एक पिछले सेंसस में डेटा निकल कर सामने आया कि बिहार में अगर 100 बच्चे 10वीं पास करते हैं तो उसमें 42 बच्चे, 42 इतने बच्चे 10वीं बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। कितना बड़ा नंबर है, जो बच्चे बिहार के भविष्य होने वाले थे, अगर वो अच्छी आगे पढ़ाई करते तो बिहार के विकास में अपना योगदान कर पाते, वो 10वीं बाद पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। और वो कहां जाते हैं? अगर उनके पास पैसे हैं तो वो बाहर कुछ एक दो बच्चे जाके पढ़ते हैं, और अगर वो नहीं पढ़ पाते, उनके पास पैसे नहीं है, जाके मजदूरी करते हैं, गुजरात में जाके फैक्ट्री में काम करते हैं, कितने रुपए में? 8,000-10,000, इतनी छोटी रकम में वो जाके बाहर काम करते हैं, बिहार में उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता, किसानी ही करते हैं, वहां जाके फसल काटते हैं पंजाब में हरियाणा में, लेकिन बिहार में नौकरी नहीं कर पाते। इसकी अगर एक और बात, इसी का एक और स्वरूप देखें हम, तो आपने नाम सुना होगा दिल्ली का, कोटा का, पढ़ाई का हब माना जाता है। और एक बात अगर आप वहां जाएंगे, गौर फरमाएंगे, तो वहां जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो बिहार के होते हैं, जो शिक्षक पढ़ाने वाले होते हैं वो भी बिहार के होते हैं, लेकिन जिनका वो इंस्टीट्यूट है, जिनको उससे फायदा हो रहा है, वो बिहार के नहीं है। इसमें दिक्कत कहां है? जब काबिलियत, अगर लोगों पे इस पे सवाल चिन्ह लगाना होता तो वहां बिहार के लोग नहीं होते, यही बिहार के लोग बाहर जाके अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन बिहार में नहीं कर पा रहे हैं। इसमें दिक्कत कहां? पॉलिसी में दिक्कत है, दिक्कत वहां उस सोच में है, जब हम वोट करते हैं तो जाति के नाम पे करते हैं, जब हम वोट करते हैं तो मुर्गा भात इन सब चीजों पे वोट करते हैं। अभी हम मुसक रहे हैं लेकिन सच्चाई यही है, आप मानते हैं या नहीं? हम बस इस बात को जगाने आए हैं, हम ये नहीं करें कि आप इसको वोट दो उसको वोट दो, हम बस इस बात को बताने आए हैं कि आप जिसको भी वोट दो, आपको पता है कि आपके आसपास अच्छे लोग कौन है? अगर ऐसे अच्छे लोग हैं तो उन्हें आप वोट दें इस बात पे कि अगर आप सरकार में आएंगे, अगर आप हमारे नेता बनते, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप क्या फैक्ट्री की बात करेंगे? आप क्या हमारी शिक्षा की बात करेंगे? आप क्या रोजगार की बात करेंगे? अगर वो इस बात पर चुनाव लड़ के जीतता है, वो चुनाव जीतने के बाद भी इस पर सोचेगा, लेकिन अगर जाति के इन सब चीजों के आधार पर वो चुनाव जीतता है, वो कैसे सोचेगा? सोच ही नहीं सकता। तो बस इसके पूरे जो हमारा संवाद था, इसका मकसद बस इतना ही था, ना कोई आपको संदेश देना, ना कोई आपको मैसेज देना, बस आपके भीतर ये चिंगारी जगाना कि बस आप लॉजिकली सोचना शुरू करें कि क्या वोट आप जब भी दें या फिर कुछ भी अगर बाहर सोचें, तो जाति के आधार पर, जाति के चश्मे से ना सोचें, आप अपने दिमाग के आधार पर सोचें, अपने तर्क के हिसाब से सोचें कि आपके हित में क्या है, वो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपने इतने प्यार से, ध्यान से मेरी बात को सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।